अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इशफाक है और ये हमारे पास डेल का 5502 मॉडल कोर i5 और ये सबसे लेटेस्ट जनरेशन है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका मैं रिव्यू भी आपको साथ ही दे दूंगा थोड़ा बहुत, ताकि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से मालूम हो सके। अभी ये मार्केट में ऑलमोस्ट नई आई है और इस वक्त शॉर्ट भी है, और ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का लैपटॉप है, ख़ास तौर पे वो हज़रात जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं और इसके अलावा जो प्रोफेशनल वर्क है वो इस पर बहुत आसानी से हो सकता है। तो बॉक्स आपके सामने है, आप देख सकते हैं इस वक्त। मैं आपको कुछ डिटेल्स वगैरह इसकी दिखा देता हूँ। कुछ डिटेल्स अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेंशन है ये 512 GB SSD MVN के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 8 GB रैम है और लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। और बाकी इसके अलावा मैं प्रोडक्ट की अगर ये दूसरी साइड आपको दिखाऊं तो ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये ऑफिशियली 2 ईयर की लोकल वारंटी के साथ आता है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगी। और इसको हम बॉक्स को ओपन करते हैं जी और फिर देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसी है। मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि मार्केट में इस वक्त कौन से लैपटॉप चल रहे हैं और आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो मैं इस बॉक्स को यहाँ से ओपन करता हूँ जी, और वैसे तो ये मैंने ओपन किया हुआ था क्योंकि जाहिर बात है हम जब प्रोडक्ट लेते हैं तो ये चेक करके लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी ऊपर वाली पैकिंग को ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद हमारे पास ये लैपटॉप आ जाता है जी, जो मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो इसके साथ हमें ये एक बुक मिल जाती है, डेल इंस्पायरॉन 15 5000 सीरीज़ है इनकी, ये कुछ मैनुअल गाइड है इसके अंदर। तो इसके अलावा हम इसके साथ जो है कुछ और ख़ास चीज़ें तो नहीं आती, लेकिन हमें एक 65 वॉट का अडाप्टर मिल जाता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके साथ इसकी केबल है और ये अडाप्टर है इसका। तो ये अडाप्टर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 65 वॉट लिखा हुआ है और कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन है। तो अभी हम फाइनली प्रोडक्ट को करते हैं जी ओपन और फिर हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये कैसी है। ये बहुत ही मज़े का और कमाल लैपटॉप है, आप इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। ये इतनी प्यारी बुक डेल वालों ने बनाई है, ये इसकी इसको इसकी लुक ही इतनी प्यारी है कि देखते ही इसके पैसे पूरे हो जाते हैं। यहाँ आप फ्रंट पे देख सकते हैं कि ये कंप्लीट सिल्वर कलर में आ रहा है और इसका डिज़ाइन इतना स्लिम और स्मार्ट है कि ये आप देखें, बहुत ही ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट किस्म का लैपटॉप है। ये सामने इसकी डेल की ब्रांडिंग है। इसके अलावा यहाँ पे बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे इंस्पायरॉन लिखा हुआ है, इंस्पायरॉन सीरीज़ है इनकी, और नीचे इन्होंने ये एयर वेंट्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपको ये 2 स्पीकर मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका जो पोर्ट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे HDMI मिल जाती है आपको, USB इसके अंदर 3.0 है, और इसके अलावा टाइप सी भी आपको मिल जाती है। जबकि लैपटॉप की दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक हेडफोन जैक मिल जाता है, इसके अलावा 3.0 आपको USB मिल जाती है, यहाँ पे आपको SD माइक्रो कार्ड डालने की ऑप्शन भी मिल जाती है। तो ये आप ओवरऑल लुक इस लैपटॉप की देख सकते हैं, बहुत ही स्लिम और स्मार्ट सा लैपटॉप है। 15.6 इसकी स्क्रीन है। तो इसको मैं खोलने से पहले एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि बैक साइड पे आपको ये एक रबड़ ग्रिप मिल जाती है, जिसका फ़ायदा ये है कि ये एक तो आपकी सरफेस पे ग्रिप बनाए रखेगी, और दूसरा ये है कि ये ग्रिप ऐसे काम करती है जब आप लैपटॉप को खोलते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लैपटॉप को बैक साइड से थोड़ा सा ऊपर कर देती है, ताकि यहाँ से वेंट से जो हवा है वो क्रॉस हो सके। तो मैं इसको आपके सामने खोलता हूँ, आप इसको देखिएगा, इसकी लुक और इसका डिज़ाइन वगैरह जो है वो देखने में कमाल ही नज़र आ रहा है। ये आप देखें, फुली सिल्वर कलर में ये लैपटॉप है, और इसके बटन भी, जो कीबोर्ड है वो भी सिल्वर कलर का है। और जबकि यहाँ पे सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फुल HD कैमरा मिल जाता है, इसके साथ ड्यूल माइक्रोफोन है, जो एक बहुत ही कमाल चीज़ है। इसमें इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी जो है वो अच्छी होने वाली है, और इसका जो वेब कैम है उसका रिजल्ट भी बहुत कमाल है, फुल HD इसका कैमरा है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आप देख सकें कि ये 2 इन्होंने विंड्स इन्होंने आगे की तरफ भी दी हुई हैं,
इनका फंक्शन भी यही है कि अगर जितनी भी जो हीट है वो यहाँ से बाहर निकलेगी, लेकिन ये स्क्रीन को टच नहीं करेगी बल्कि यहाँ से निकल के यहाँ पे लग के तो बाहर निकलेगी। तो इसका डिज़ाइन कुछ ऐसे बनाया गया है। मज़ीद मैं आपको इस लैपटॉप के बारे में बताऊँ कि ये कोर i5 11th जनरेशन है। तो ये हमारे पास जो है ये 2GB ग्राफिक कार्ड वाला मॉडल है, जिसका मॉडल है MX330, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड मौजूद है। बाकी इसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे भी कुछ मेंशन है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसका जो पैड बनाया गया है, जो ये माउस पैड है, ये बहुत ही कमाल का है। मैंने इसको थोड़ा सा इस्तेमाल किया है तो इसका टच बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। मल्टी टच ये स्पोर्ट है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया और बहुत ही आसानी से आप इसको लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो कीबोर्ड है ये बैकलेट कीबोर्ड है। और हमारे पास यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ और भी आपको बताऊं कि आप देखें कि इसका फ्रंट जो है वो बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट है। कोई LED या कोई इस तरह की चीज़ फ्रंट पर नहीं दी गई। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसका कीबोर्ड की जो लाइट है वही ऑन होने में इसकी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूँ कि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो कि एक बटन भी है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो चले हम इस लैपटॉप को अभी ऑन करते हैं। तो इस लैपटॉप को मैंने ये टर्न ऑन हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करके और इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इसके अंदर आप यहाँ पर डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। 5502 मॉडल है, 8GB इसके अंदर रैम है और ये Windows 10 के साथ आता है। और विंडो 10 इसके अंदर जेन्युइन आती है, जो एक अच्छी बात है। और मैं भी ये बजाते खुद जो है ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही विंडो 10 को जेन्युइन विंडो को यूज़ करने लगा हूँ। इससे पहले हम लोग भी जो पायरेटेड विंडो होती थी उनको इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बैटरी के सेक्शन में आए तो इसके अंदर 3 साल बैटरी है, लेकिन ये बैटरी जो है लिथियम बैटरी है, जिसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये तकरीबन आपके 5 to 6 आवर जो है वो कंपनी जो क्लेम करती है कि आपकी ये बैटरी आसानी से दे देगी, लेकिन आपके यूज़ के ऊपर है कि ये बैटरी जो है वो कितना टाइम निकालती है। अगर आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो ज़ाहरी बात है बैटरी जो है वो जल्दी ख़त्म होगी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ इस लैपटॉप के बारे में। अगर हम इसका कुछ परफॉर्मेंस वगैरह चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो CPU है वो हमारा 2.4 GHz है, जो कि बूस्ट करता है अप टू 4.2 GHz। यानी कि ये प्रोसेसिंग स्पीड जो है, अगर आप 10th जनरेशन या इससे नीचे जनरेशन की तरफ जाते हैं तो ये आपको परफॉर्मेंस स्कोर i7 में मिलती थी, लेकिन जो हमारी ये लेटेस्ट जनरेशन 11 आई है इसके अंदर आपको यही फ्यूचर और यही प्रोसेसर आपको मिल रहा है। इसके अंदर जो GPU लगा हुआ है इंटेल आयरिस का ग्राफिक कार्ड है, जो कि 4GB ग्राफिक कार्ड है इसका जो बिल्ट है। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये ग्राफिक कार्ड जो है वो ये शेयर ग्राफिक कार्ड है, तो ये आपकी मेमोरी के साथ शेयर होके 4GB बनेगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड एनवीडिया का GeForce MX 330 भी मौजूद है, तो ये हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये 2GB का डेडिकेटेड ग्राफिक है, जो कि मेमोरी वगैरह को भी शेयर नहीं करता और ये आपको गेमिंग में भी काफ़ी हद तक मज़ा आने वाला है। आल दो कि ये एक गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी ये गेमिंग में आपको बहुत सारी हेल्प करेगा। इसके अलावा ये वीडियो एडिटिंग ग्राफिक का काम जो है वो इसका मेन पर्पस है और वो ये बखूबी हल करेगा। मज़ीद अगर हम SSD की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप देख लें NVMe 512 GB की इसके अंदर मौजूद है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इसकी एज़ कम्पेयर टू SSD जो नॉर्मल आती है। उसके अलावा अगर इसको कंपेयर करें HDD के साथ तो फिर तो परफॉर्मेंस और ही ज़्यादा आउट क्लास होगी इसकी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप दोस्तों के लिए और ऐसी प्रोडक्ट्स जो है उनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।